हेलो दोस्तों, मैं निकिता वेलकम करती हूँ अपने YouTube चैनल फिटनेस विद निकिता में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉक नी की प्रॉब्लम को। आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है या नहीं, ये मैं आपके साथ वीडियो में आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम किस वजह से होती है, ऐसे कौन से रीज़न हैं जिस वजह से हमें नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, नॉक नी की वजह से हम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं, साथ ही साथ हम नॉक नी की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसे करके हम अपनी नॉक नी की प्रॉब्लम को ठीक कर लें। और एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो के लास्ट में, जिसे 95% लोगों ने करके अपनी नॉक नी की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर लिया है, क्योर कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम किस वजह से होती है। बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट रीज़न की तरफ। बेसिकली ये आपको जेनेटिक हो सकता है, यानी कि ये आपके मम्मी को, पापा को या फैमिली में किसी को भी हो सकता है, जिस वजह से ये आपको भी हो सकता है। दूसरा है अर्ली एज में चलना, यानी कि आप छोटे हो, बच्चा छोटा होता है वो जल्दी चलना स्टार्ट कर देता है, उस वजह से भी नॉक नी की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है हमारा ओबेसिटी, यानी कि मोटापे की वजह से भी आपको नॉक नी की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ एंड लास्ट, लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है तो उस वजह से आपको नॉक नी की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस वजह से, यानी कि नॉक नी की वजह से हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है, हम अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, हम कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो है हमारी रनिंग। क्योंकि आर्मी में देखा जाता है कि हम मेनली उसमें रनिंग ही मांगते हैं, अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जब हम रनिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो घुटने हैं, नॉकनी हैं, जब वो घुटने आपस में टकराते हैं तो हम गिर सकते हैं, तो हम यानी कि फिज़िकली अनफिट हैं, जिस वजह से आपको आर्मी से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर कोई आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरा है आपकी जो, अगर आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपकी जो थाइज़ हैं वहाँ पे सारा वेट चला जाएगा, आपकी लोअर बॉडी में चला जाएगा, जिस वजह से आप जब चलोगे तो आपकी थाइज़ आपस में टकराएंगी, और वो जब आप वो टकराएंगी तो वहाँ पर आपको रैशेज हो सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जो हमें नॉक नी की वजह से हो सकते हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, तो मैं आपके साथ कुछ ही प्रॉब्लम या कुछ ही रीज़न शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नॉक नी की प्रॉब्लम को ठीक करने की तरफ आगे। चलिए चलते हैं मैट पे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझे या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पास ही में दिख रही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम मैट पर आ चुके हैं, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हो कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है या नहीं। क्या होता है, जब आपको कैसे पता लगेगा कि आप अपने पैर इस तरीके से मिलाएंगे, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से लेके जाना है। अगर आपके हाथ इस तरीके से पैर में आगे पीछे जा रहा है, यानी कि आपका हाथ आसानी से निकल रहा है, तो आपको नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपके पैरों के थाई के बीच में, घुटने के बीच में गैप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप फिजिकली फिट हो, आपको नॉक नी की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पैर मिला रहे हो और आपके पैर इस तरीके से, यानी कि आप इधर से हाथ लेके जा रहे हो, इधर से आपका हाथ फंस गया, आप इधर से लेके जा रहे हो, इधर भी आपका हाथ फंस गया, यानी कि आपके जो घुटने हैं वो मिले हुए हैं, आपके थाइस के, आपके घुटनों के बीच में गैप नहीं है, यानी कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपको नॉक नी की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आपको क्या करना है, अपने पैरों को इस तरीके से मिलाना है और अपने टोज को इस तरीके से डायगनली बाहर रखना है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वाट्स। इस पोजीशन में हम स्क्वाट्स करेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल डीप, ताकि आपके जो नीज़ हैं वो अच्छे से एंगेज हो, आपके नॉक नी की प्रॉब्लम अच्छे से ठीक हो सके। तो आपको क्या करना है, डीप डाउन अप, डाउन अप। इसमें क्या होगा, आपके जो नीज़ हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, लाइक दिस अप, लाइक दिस अप। कोशिश कीजिए आप जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाइए। इन एक्सरसाइज को करके आप विद इन अ मंथ, यानी कि एक महीने के अंदर आप अपनी नॉक नी की प्रॉब्लम को ठीक होते हुए देख सकते हैं। बस ये है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा।
टू एंड वन, रिलैक्स। तो आपको इस एक्सरसाइज के 20 रिपीटेशंस करनी है विद 3 राउंड्स या 4 राउंड्स भी आप कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बस आपको क्या करना है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आप 10 राउंड से स्टार्ट कर सकते हो, 10 रिपीटेशन से स्टार्ट कर सकते हो विद 3 राउंड्स। और अगर आप प्रैक्टिस पे आ चुके हो, आपको जल्दी से अपने नौकनी की प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो आप 20 रेप्स के साथ 4 राउंड्स के साथ आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। बढ़ते हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब हम करेंगे सुमो स्क्वाट्स। यह हमारी नौकनी की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पैर डायगनली बाहर, इस तरीके से हमारे नी बाहर जाएंगे, डाउन होल्ड एंड अप, डाउन होल्ड एंड अप, 3, 4, जितना हो सके आप डीप चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के भी आपको 20 रिपीटेशंस करनी है विद 3 राउंड्स। आप चाहो तो 4 राउंड्स भी कर सकते हो, अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, तो आप 4 राउंड्स में भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। जो हम करें इसके लिए हम बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाना है, आपकी फिंगर्स इंटरलॉक लाइक दिस, एंड आपको अप एंड डाउन। इसकी प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना आपको जल्दी इफेक्ट आएगा। ये आपके थाई के फैट को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, चलते टाइम आपकी थाइज आपस में लगती हैं, आपको रैशेस हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। इस एक्सरसाइज को आप 1 मिनट तक परफॉर्म कीजिए। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। इसको आपको 1-1 मिनट तक परफॉर्म करना है लाइक दिस, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं तक थी। बस ये 3 एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये 3 एक्सरसाइज ही करनी है, आप अपने डेली वर्कआउट के रूटीन में इन एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको कितने रेपिटेशन करने हैं, कितने राउंड्स करने हैं। अब बात करते हैं उस ट्रिक की जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके साथ वीडियो में लास्ट में शेयर करने वाली हूँ, जिसे करके 95% लोगों ने अपनी नौकनी की प्रॉब्लम को ठीक किया है। आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज, ये ट्रिक आपको सोते सोते करनी है। आपको क्या करना है, रात को अपने बेड पे सोना है। जब आप सोओगे तो आपको क्या करना है, आपको अपने नी के बीच में इस तरीके से पिल्लो को रखना है। आप रात को नहीं पता होता किस तरीके से सोते हो, आपके पैर किस तरीके से जा रहे हैं, आपका क्या पता, अगर आप सो रहे हो तो आपका ये पिल्लो हट जाए। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से एक नॉट लगानी है, किसी भी चीज़ से आप लगा सकते हो आपको पिल्लो को इस तरीके से, ताकि ये इधर फिक्स रहे, ये कहीं पर हिले ना, यानी कि आपकी नीज के बीच में गैप बना रहे। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से रखना है और आपको बस नी पिल्लो को अपने नी के बीच में रख के और आपको इस तरीके से सो जाना है। आप इस तरीके से सो सकते हो। इससे क्या होगा, ये चुन्नी दुपट्टा मैंने इसलिए यूज़ किया है ताकि आपका जो पिल्लो है वो यहाँ से ना हटे, वो फिक्स रहे, ताकि आपके पैरों के बीच में जो गैप है वो बना रहे। ये अगर आप 1 मंथ तक अप्लाई करते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी नौकनी की प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो रही है या वो ठीक होने वाली है। क्या पता, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, आपको जल्दी रिजल्ट आए, लेट रिजल्ट आए, लेकिन आएगा ज़रूर। ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि आप अपनी न्यूट्रिशन की वैल्यू को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके अंदर विटामिन डी या कैल्शियम की कमी है। तो आपको क्या करना है, आप अच्छी एक सनरेज ले सकते हो, सनलाइट ले सकते हो। अगर आपके पास उसका भी टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, आप खाने में ले सकते हो, लाइक आप कैबेज ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो, आप दूध ले सकते हो, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट भी ले सकते हो। इन्हें लेकर, इन फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप अपनी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो और अपनी नौकनी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो।
तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका कोई फीडबैक हो, आपका कोई सजेशन हो और अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।